टीबी जैसी घातक बीमारी को भारत देश से जड़ से खत्म करने के लिए टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में टीबी उन्मूलन पर मीडिया की भूमिका पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस कार्यशाला में NHM की डायरेक्टर प्रियंका दास और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि आज मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है लोगों तक जन जागरूकता या किसी खबर को पहुंचाने के लिए, और टीवी को जड़ से खत्म करने के लिए 2025 तक का टारगेट किया गया है। देश में 84% टीवी को खत्म करने में सफलता मिली है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि ट्राइबल इलाकों में लेकर ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में भी टीवी को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। कि टीबी अधिकतम अन्य डिजीजेस के साथ कोएक्सिस्ट करती है, तो हमें कोमॉर्बिड कंडीशंस को भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो टीबी पेशेंट हमारे दायरे में आता है उनकी तो हम HIV, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सब सारी बीमारी की हम चेकिंग करते हैं, लेकिन द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम देख रहे हैं कि हमको मान लीजिए कोई और बीमारी है और कॉन्स्टेंटली मेरा वेट गिर रहा है, एपेटाइट लूज हो रहा है, तो कोई हार्म नहीं है कि टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट कि हमें टीबी है कि नहीं है। मध्य प्रदेश में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सारे CHCs में, सारे ब्लॉक्स में वी हैव अपफ्रंट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग NAT मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है, CBNAT एंड TrueNAT मशीन्स, जिससे हम प्रॉपरली टीबी का डायग्नोसिस कर पाते हैं। प्रिवेंटिव थेरेपी या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है GOI ने रोल आउट किया है, इसको भी बहुत इफेक्टिवली मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं। ड्रग्स जो कुल मिलाकर देखा जाए तो टीबी जैसी घातक बीमारी को भारत देश से जड़ से खत्म करने के लिए टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में टीबी उन्मूलन की मीडिया की भूमिका की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News भोपाल।